News 18, India. लोग आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक बार कम से कम 9-10 आंसू गैस के गोले एक बार यहाँ पर फिर से बरसाए गए हैं उन प्रदर्शनकारी लोगों के ऊपर जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। और ये तस्वीर खराब इसलिए है क्योंकि जब बातचीत का दौर शुरू हो रहा है, ऐसे में अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पुलिस आपको चेतावनी देगी, आप नहीं रुकेंगे तो आपके ऊपर फिर गोले बरसाए जाएंगे। और ये आपको बयान करता है, आप मंजर समझिए, लगातार आपको आंसू गैस की गोले की आवाज सुनाई दे रही होगी। करीब 20 से ज्यादा गोले अभी तक छूट चुके हैं और ये सुबह से लेकर अब तक की सबसे बड़ी पुलिस की कार्रवाई हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। युगल, कोशिश करिएगा कि थोड़ा और कैमरा ऊपर उठा पाए क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये समय, लेकिन तस्वीरें हमारे दर्शकों तक जानी चाहिए और ये समझना चाहिए कि किस तरीके से जब बातचीत का दौर एक तरफ चल रहा है, जब किसान नेता सरकार के साथ बातचीत के लिए जा रहे हैं, तब क्यों इस तरीके से वो सीमा को लांघने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और क्यों पुलिस से उलझने की कोशिश की जा रही है। किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये अपील की गई थी कि आप संयम बरतिए, लेकिन उसके बावजूद भी, और यही बात, इसी बात का आशंका जब हमारी बात अभी हो रही थी रूपिका से थोड़ी देर पहले, तो हमने ये बताया था कि बहुत मुश्किल है उन दोनों किसान नेताओं के लिए इस भीड़ को संभालना, क्योंकि जब आप यहाँ से बैठक के लिए चले जाते हैं तो ये भीड़ को कौन संभालेगा, क्योंकि आपके लीडर्स यहाँ से जा चुके होते हैं। और वही तस्वीर अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसान नेताओं के जाने के बाद अब थोड़ा सा हरियाणा पुलिस भी उधर से रिटेलिएट कर रही है और दूसरी तरफ से यहाँ से किसान भी, क्योंकि किसान नेता खुद ही ये बात को कहते हैं कि भीड़ में कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं भीड़ का, और कुछ लोग भीड़ को भड़काने की कोशिश करते हैं, तो उनसे बचाने की यहाँ पर कोशिश भी होती है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको भी लाइव दिखा रहे थे, एक बार फिर देखिए ड्रोन आता हुआ, और ड्रोन यहाँ पर दो चीजों के लिए हरियाणा पुलिस इस्तेमाल करती है। एक तो होता है कि आपके आंसू गैस के गोले छोड़ने होते हैं, इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, निगरानी रखने के लिए, क्योंकि अब भीड़ यहाँ पर बेशक कम हुई है, लेकिन भीड़ कम होने के बावजूद भी एक बार और देखिए युगल, थोड़ा और आगे इस साइड आइएगा, यहाँ से तस्वीर हम दिखा पाए सामने की, किस तरीके से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हवा में, और वो ड्रोन पास आता हुआ, ड्रोन के पास में पतंग देख पाएंगे, जिस पतंग का इस्तेमाल यहाँ पर किसान ड्रोन को गिराने के लिए करते हैं। तो ये ड्रोन एक तरीके से निगरानी करने के लिए ड्रोन यहाँ पर भेजा गया है कि कितनी भीड़ यहाँ पर है, भीड़ कम हुई है या नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले सुबह हरियाणा पुलिस ने दो ड्रोन का इस्तेमाल किया था आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए, तो आप इससे समझिए कि किसानों के साथ में कुछ ऐसे लोग भी बीच में भीड़ के तौर पर घुस जाते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और ये उस समय हो रहा है जब सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डलेवाल दोनों ही लोगों ने ये कहा कि आपको संयम बरतना ही अपील की, और उस अपील के बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके से कुछ लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, और उसके बाद हरियाणा पुलिस को यहाँ पर एहतियातन आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े। हरियाणा पुलिस, आपको बता दें कि पहले दिन से 13 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ था, तभी से सख्त ये कहा गया है कि किसी भी कीमत पर आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले की तस्वीर हमने देखी है कि दिल्ली में कितना सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, और एक शर्मनाक तस्वीर जो हमने लाल किले से देखी, लेकिन वो दोबारा ना घटे इसके लिए बाकायदा यहाँ पर हरियाणा पुलिस लगातार मुस्तैद है। और आप एक बार फिर से देखिए, पतंग के जरिए ड्रोन को फंसाने की कोशिश यहाँ पर लगातार चल रही है, और इससे पहले भी एक ड्रोन को यहाँ पर पतंग के जरिए गिराया जा चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हम बार बार बात रिपीट कर रहे हैं कि ये जब हो रहा है, जब सरकार की तरफ से बातचीत करने का एक मैसेज यहाँ पर पहुंचा है, और किसान नेताओं ने भी ये कह दिया है कि आप संयम बरतिए, आक्रामक मत हुई, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी सारी चीजें यहाँ पर पहले ही पहुंच चुकी हैं कि इनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। किसान नेता पंजाब पुलिस के साथ बातचीत करने के लिए गए हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कब होनी है, उसको लेकर उनकी बातचीत यहाँ पर अलग चल रही है। लेकिन इसी बीच हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसी स्थिति 13 तारीख के बाद 14-15 फरवरी को थी, वैसी स्थिति यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दिन में कई बार आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, और गोले छोड़ने की वजह यह है कि जब कोई भी पंजाब की तरफ से हरियाणा की तरफ कूच करने की कोशिश करता है तो पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से चेतावनी दी जाती है, और चेतावनी के बाद भी कोई प्रदर्शनकारी नहीं रुकता तो उनके ऊपर फिर आंसू गैस छोड़ी जाती है। तो हमने आपको दिखाया कि एक बार फिर से आज की सबसे बड़ी कार्रवाई हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर किसानों के ऊपर की है, करीब 20 से ज्यादा आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े। और खासतौर से मैं बार बार बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये तब हो रहा है जब केंद्र सरकार किसान नेता आपस में बातचीत करना चाहते हैं, और ऐसे में ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से युगल दिखाइएगा, ड्रोन फिर से वापस आ गया है, और ये निगरानी करने के लिए यहाँ पर हरियाणा पुलिस ड्रोन को उड़ा रही है कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की जुटी हुई है। और कई बार ड्रोन के जरिए आंसू गैस की गोले भी छोड़े जाते हैं, जैसे ही ड्रोन हवा में उड़ता है, कोई भी ड्रोन हवा में उड़ता है तो लोग भागने लगते हैं, उनको लगता है कि आंसू गैस एक बार फिर से छूटने वाली है। लेकिन बार बार वही सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही कि किस तरीके से जब
बातचीत का दौर शुरू होने वाला है, उस दौर के बीच कौन लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं? आपको नीचे छोटा सा वाटर कैनन के रूप में यहाँ पर पानी का स्प्रे करते हुए किसान दिखाई पड़ेंगे। वो आंसू गैस से निकलने वाली जो एक तरीके से केमिकल होता है उसको हवा में ज्यादा ना फैले उसको रोकने के लिए किसान यहाँ पर अपना बचाव करते हैं छिड़काव करके। तो इस तरीके से तमाम इंतजाम यहाँ पर किसानों ने किए हुए हैं। जेसीबी मशीन आप कह लीजिए, आप प्रोक्लेन कह लीजिए, जो नाम चाहे आप दे लीजिए, सैकड़ों की हजारों की तादाद में रेत भरी बोरियां यहाँ पर पहुंचाई गई हैं। बोरियों की मदद से पुल बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो सब होगा जब दिल्ली कूच करेंगे। और दिल्ली कूच तो करना ही नहीं है, जब आपके किसान नेता आपकी सरकार आपस में बातचीत करनी है तो फिर ये माहौल खराब करने की कोशिश क्यों? और वो भी तब जब किसान नेताओं ने आपसे अपील की है, आपको शपथ दिलाई है, आपको एक कसम खिलाई है कि आप यहाँ पर संयम बरतेंगे। हम लोग यानी किसान नेताओं ने खुद कहा कि हम आगे चलेंगे, आपको हमारे पीछे चलना है। सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ये बात कह रहे थे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर हरियाणा पुलिस उधर से आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए दिखाई दे रही है। काफी तादाद में लोग यहाँ से वापस भी हट चुके हैं, क्योंकि जब मंच से अपील की गई कि आप अभी रुक जाइए, थोड़ा संयम बरतिए क्योंकि सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है, तो उसके बाद सरवन सिंह पंडेर और डल्लेवाल यहाँ से जगजीत सिंह डल्लेवाल यहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर एक बार फिर से हमने देखा कि हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और ये गोले तब छोड़े जाते हैं जब कोई बॉर्डर के पास जाकर दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश यहाँ पर करता हुआ दिखाई देता है। और अगर भीड़ की बात करें तो देखिए एक बार फिर से लोग जहाँ थे वहीं रुक गए हैं, क्योंकि लगातार किसान नेताओं के ऐलान के बाद लोगों का जो वापसी का दौर था वो शुरू हो गया था, क्योंकि जब उनको लगा कि अब आंदोलन आज रुकेगा तो लोग जा रहे थे, लेकिन जब गोले चले तो लोग जहाँ थे वहीं खड़े हो गए। बिल्कुल मानव, और ये हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो आपने विजुअल दिखाए हमने आवाज सुनी है, आंसू गैस के गोले जो दागे गए उसकी आवाज बाकायदा सुनाई दे रही थी। और ऐसे वक्त में जब सिर्फ सरकार और किसान नेताओं के बीच में शाम में बैठक नहीं होने वाली है, अभी तो वही बॉर्डर के ऊपर किसान नेता और पुलिस के बीच में भी बातचीत चल रही है। तो एक तरफ तो पुलिस के बीच बातचीत चल रहा और दूसरी तरफ ये हिंसक झड़प की तस्वीरें। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जो बातचीत रुक गई थी उसका रास्ता फिर से एक बार खुला है। पूरा सीक्वेंस, ये बातचीत कब कब हुई और कैसे रुक गई और अब कैसे आज शाम में फिर से बातचीत शुरू होने वाली है, वो सीक्वेंस आपको समझाते हैं। देखिए, सुबह पंजाब सरकार के अधिकारी किसानों से बातचीत के लिए पहुंचे थे, फिर किसानों से पांचवें दौर की बातचीत का न्योता दिया गया था। किसानों ने पंजाब के अधिकारियों से बातचीत को पूरी तरह इनकार कर दिया। उनका कहना था सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ से तो हमें मिला नहीं है ना इन्विटेशन। किसानों ने पंजाब सरकार को थर्ड पार्टी बता दिया। उन्होंने ये कहा कि केंद्र से लिखित आश्वासन चाहिए, पंजाब सरकार क्या कर लेगी, वो तो थर्ड पार्टी है। किसान नेताओं ने केंद्र की ओर से पहल की मांग की और फिर किसानों की इसी मांग को देखते हुए आज सुबह 11 बजे कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया, ट्वीट किया गया बाकायदा उनकी तरफ से। और बस फिर उसी के बाद आज शाम चंडीगढ़ में किसानों से बातचीत सरकार की हो सकती है। अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री खुद इसमें पहुंचेंगे, पीयूष गोयल भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल रह सकते हैं। और चलिए मानव का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। मानव, इसका मतलब ये जो किसान यहाँ पर मौजूद है वो तो अपने नेताओं की भी नहीं सुन रहे हैं ना। अभी आपने बताया कि किसान नेताओं और पुलिस के बीच में बातचीत चल रही है, वो क्या शांति बनाए रखने के लिए तो बातचीत चल रही होगी ना मानव? जी देखिए, बातचीत चल रही है, एक समय मुकर्रर होना है कि बातचीत कब होगी मंत्रियों के साथ, उसको लेकर टाइमलाइन तय हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता दूं, किसान नेता जब बातचीत करने जाएंगे तो कल एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हम तीन चीजों से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, एक एमएसपी गारंटी कानून, दूसरा एमएसपी तय करने का फॉर्मूला C2+50%, तीसरा कर्ज माफी। बाकी सारी बातें होती रहेंगी लेकिन इन तीनों मुद्दों से बिल्कुल हटने को तैयार नहीं थे। आपको बकायदे एक जानकारी और दे दें कि जब पंजाब पुलिस के लोग सुबह किसान नेताओं के पास पहुंचे कि केंद्र सरकार से आपके लिए संदेश आया है, दोबारा पांचवीं बार आपसे बातचीत करनी है, तो किसान नेताओं ने यहां तक कह दिया कि इसका सबूत क्या है, क्योंकि आप तो तीसरी पार्टी हो। तो बाकायदा एक ट्वीट अर्जुन मुंडा को करना पड़ा, पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि किसान चाहते हैं कि भरोसा दीजिए कि आप बैठक करना चाहते हैं, तो ट्वीट किया गया, ट्वीट में बताया गया कि सरकार किन मुद्दों पर बातचीत करेगी। और उसके बाद यहां से अब उठकर किसान नेता इस ओर गए हैं जहां पर पीछे जो एक तरीके से ट्रॉलियां लगी हुई हैं जहां पर किसान नेता बैठते हैं, और वहां जाकर अब पंजाब पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हो रही है और समय तय किया जा रहा है कि बैठक कब होगी, होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें
यहाँ पर अभी चल रही हैं। लेकिन जिस बात का डर हम सभी को था, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार फिर से ये देखिए, ये सीधा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोले लगातार बरसते हुए यहाँ पर। और ये वो डर है, ये वो चैलेंज है उन नेताओं के सामने, उन किसान नेताओं के सामने जिसका विक्रम लगातार कर रहे हैं कि इतनी भारी भीड़ को आप कैसे हैंडल करेंगे। ये सीधा तस्वीर है युगल, और थोड़ा आगे जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार आंसू गैस छोड़ी जा रही है। ये तीसरा दौर है आंसू गैस का आज का, और अभी तक हमने देखा, ये देखिए इस बार पैलेट्स भी आए हैं, हवाई पैलेट्स हमको दिखाई दिए हैं, कुछ उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बार आप देखिए लगातार आंसू गैस एक बार फिर से छोड़ना शुरू कर दिया है। पहले आंसू गैस आती है, उसके बाद फिर साथ में ड्रोन भी आता है, ड्रोन ये देखने आता है कि कहाँ कहाँ आंसू गैस का गोला गिरा और उसके बाद लोग वहां से हटे या नहीं हटे। तो ये एक तरीके से पैलेट्स यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से, और पतंग भी उड़ाया जा रहा है, पतंग के जरिए ड्रोन को काबू करने की कोशिश यहाँ पर किसान करते हैं। तो ये वो पुलिसीय कार्रवाई है जो हरियाणा पुलिस लोगों के किसानों के ऊपर कर रही है। ये देखिए ड्रोन के जरिए कैसे आंसू गैस छोड़ी जाती है, ये हमने आपको लाइव अभी दिखाया, ड्रोन के जरिए ये ड्रोन ऊपर आया, एकदम हमारे ऊपर आया। युगल आपको थोड़ा साइड हटना होगा यहाँ से, और ये ड्रोन के जरिए यहाँ पर आंसू गैस छोड़ी जा रही है। और अब ये ड्रोन थोड़ा पीछे जाता हुआ, ये तस्वीरें चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि किसान लीडर इतनी भारी संख्या में पहुंचे, वॉलंटियर्स को किसानों को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हर तरफ से आंसू गैस सबको आती हुई दिखाई दे रही है। और अब यहाँ पर लीडर्स बातचीत करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन मंच पर जो भी लोग मौजूद है, ये देखिए कोई घायल हुआ है, इनको ले जाते हुए यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किसी को टीयर गैस का शेल लगा है, तो उसके बाद ये सब लोग उनको यहाँ से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर रखी गई है पंजाब सरकार की तरफ से, लेकिन ये पुलिसीय कार्रवाई चिंताजनक इसलिए हो जाती है क्योंकि किसान नेताओं ने ये कह दिया कि आपको संयम बरतना है, आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि हम सरकार से बातचीत करने जा रहे हैं। ऐसे में ये पुलिस की कार्रवाई उन किसानों के ऊपर जो लगातार कूच करने की कोशिश करते हैं चिंताजनक है, क्योंकि ये भीड़ को अभी हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भीड़ बहुत ज्यादा है। पिछले 9 दिन के आंदोलन में आज सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमने देखा कि 13 तारीख को दोनों तरफ से हिंसा हुई थी, लेकिन उसके बाद मामला काफी शांत रहा, किसान नेताओं ने अपने लोगों को समझाया, लेकिन बीच में जो अब देखिए मैं आंसू गैस की गोलों की आवाज अभी भी सुन पा रहा हूं। हमारी पूरी कोशिश है कि जितना हो सके जितना नजदीक जाकर हम आपको वो टीयर शेलिंग दिखा पाए, क्योंकि आगे हम देख पा रहे हैं कि कुछ युवा लगातार वहां डटे हुए हैं, मंच से लगातार अभी भी अपील की जा रही है कि आप पीछे हो जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग आगे डटे हुए हैं। हरियाणा पुलिस उधर से चेतावनी देती है, उसके बाद आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़ रही है। किसान नेताओं का यह कहना है कि या तो हमारी मांगों को मान लीजिए या फिर हमें दिल्ली जाने दीजिए। तो इस तरीके से लगातार गतिरोध बढ़ता हुआ, और ये गतिरोध उस समय जब दोनों ही किसान नेता जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, सरवंत सिंह पंडेर और जग्गी सिंह डलेवाल, अभी मौके पर नहीं है, और ये पुलिसिया कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। और इस आंसू गैस के छोड़ने को लेकर भी किसान नेताओं ने पहले चिंता जताई थी, तो हरियाणा पुलिस की तरफ से एक बहुत ही चिंताजनक बयान वहां से आया था कि हमने तो आंसू गैस के गोले छोड़े ही नहीं, तो किसान नेताओं ने कहा कि फिर आंसू गैस कौन चला रहा है। तो इस तरीके से बीते 7 से 8 दिनों में हमने